नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।